सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। पाण में प्रीतम जाती पाए पाण में प्रीतम जाती राग खंबात भजन पंद्रवा पाए पाण में प्रीतम जाती कर जाहिर पैंजी जाती मान मौज सची दिह राती। खंबात राग के इस भजन में परम श्रद्धेय गुरु महाराज जी प्रीतम प्रेमी कह करके जिज्ञासुओं को उपदेश दे रहे हैं कि अपने अंतर में ही दीदार करो, जाती झांक करके देखो, कर जाहिर पैंजी जाती,
अपने जाति को देखो, तुम अविनाशी हो, ईश्वर के अंश हो, सहज सुख की राशि हो। जो परमात्मा है उसी का अंश तुम हो। अंतर्मुख अभ्यास करे तुम, पाएज मन में शांति। अंतर्मुखी सदा सुखी, अपने अंतर में झांक कर देखो। रे मन तज निज बहिर्गत, अंतर वर सुख हेत, अंतर मुख बिन सुख नहीं, विदत सनातन नीत। आदि काल से ऋषियों मुनियों शास्त्रों पुराणों में ये कहा गया कि अंतर्मुख हुए बिना सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं। बाहर मुखता को छोड़ के अंतर्मुखी बन जाओ और मन की शांति को प्राप्त करो। बाहर मुखी संसार की तरफ अगर तुम्हारा मन लगा रहेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। भेद भ्रांति की निवृत्ति बाहर मुखता से होने वाली नहीं। पाण में पाण विजाए पल पल, प्रीतम जी पढ़ पाती। अपने को अपने में लीन करो। आत्मन्ये वात्मना तुष्टः, स्थित प्रज्ञस् तदो उच्यते। अपने आत्म स्वरूप को देखो और प्रीतम जी पढ़ पाती, उस परमात्मा से मिलने की पाती माना पत्रिका, शास्त्र, वेद, पुराण, रामायण, गीता, गुरुदेव की वाणी, उनको पढ़ो। जात सिफात जो भेद मिटाए, अंतर रह एकांति। जात सिफात माना समष्टि और व्यष्टि, दोनों भेदों को दूर करो। सब एक ही है, सब में परमात्मा ही है। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। जो आत्म स्वरूप है वही ब्रह्म स्वरूप है। और अपने अंतर में एकांत का आनंद प्राप्त करो। कहे ते हूं ये संतन शिक्षा, सर्व सुखन जी दाती। असली पंहिंजो रूप सुजाणी, पाएज आत्म क्रांति। ये संत महापुरुषों की शिक्षा सब सुखों को देने वाली है। अपने असली स्वरूप आत्म स्वरूप को जानकर पाएज कायम क्रांति, हमेशा रहने वाली क्रांति को प्राप्त करो। अविचल क्रांति को प्राप्त करो। तो इस भजन में गुरु महाराज जी सदुपदेश दे रहे हैं जिज्ञासु को उस परब्रह्म प्रभु परमात्मा की तरफ मन लगाने की प्रेरणा दे रहे हैं। अमरापुर वाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाय पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी, हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत।
दिया मूलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है, भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार, जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।